तो ये बहुत ही अच्छे से देखे मिला लिए हैं। अब बस इसको चलते हैं, फ्राई करते हैं हम लोग, उलट के बढ़िया से एकदम पकाएंगे। तो जार में डालेंगे इसमें गोलकी और धनिया, धनिया सूखी लाल मिर्च, जीरा, अदरक, लहसुन, लहसुन थोड़ा ज्यादा लेंगे, राई दाना है जिसे सरसों कहते हैं, इसमें डालेंगे पानी क्योंकि ये जो बना रहे सरसों वाला मछली है दोस्तों। तो चलिए पेस्ट पहले बना लेते हैं इसका। पेस्ट मेरा बन करके कंप्लीट हो चुका है। मसाला को पीस करके एक प्लेट में रख लिए हैं, मछली को एक बर्तन में ले लिए हैं। तो फिर अब चलिए इसमें डालेंगे जो मसाला पेस्ट बना करके रखे हैं उसको। करीब करीब 2 चम्मच लेंगे क्या मसाला? हाँ। हम लोग का ज्यादा थोड़ा हम लोग पीस लिए हैं तो इसको थोड़ा दूसरा काम में ले आएंगे। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, अब इसमें डालेंगे सरसों तेल। अब चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से देखे मिला लिए हैं। अब बस इसको चलते हैं, फ्राई करते हैं हम लोग। चलिए अब कढ़ाई चढ़ाते हैं, पहले इसको गर्म होने के लिए देते हैं। आज बनाने वाले हैं चूल्हा में क्या? छोटी मछली। तो कढ़ाई मेरा बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं सरसों का तेल। तो तेल इसमें डाल दिए हैं, अब इसको गर्म होने देते हैं पहले अच्छा से। तो तेल मेरा बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है, तो फिर चलिए मछली को फ्राई करते हैं। तो मछली को एकदम धीमा धीमा आंच में पकने देते हैं चूल्हा में क्या? हाँ, उलट पुलट के बढ़िया से एकदम पकाएंगे। खुशबू तो अभी आना चालू हो गया है। बढ़िया, ताजा मछली है, पूरा ताजा है। तो ये एक साइड बहुत ही अच्छे से पक चुका है, तो फिर चलिए इसको पलट लेते हैं। एक देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छा से एक साइड में फ्राई हो चुका है और ये दूसरे साइड में फ्राई हो रहा है। और मसाला देख सकते हैं मछली के साथ बहुत ही अच्छा लिपट गया है एकदम। वाव, देख सकते हैं गाइस बहुत ही अच्छे से मछली जो है फ्राई हो चुका है। तो फिर चलिए अब निकाल लेते हैं एक प्लेट में। मछली को निकाल करके एक प्लेट में रख लिए हैं और जो थोड़ा बचा हुआ है तो चलिए उसको भी फटाफट फ्राई कर लेते हैं। तो मेरा छोटी मछली फ्राई होकर के कंप्लीट हो गया है दोस्तों। देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। और ये बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बताए हैं, बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा आज का फिश रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक टाटा बाय बाय।